लाओ ये मेरे को दे दो। हाय दोस्तों, हेलो, हम सब जा रहे हैं बहुत दूर नहाने के लिए, यहाँ पानी की कमी हो रही है, सबके सब जा रहे हैं नहाने के लिए। बाइक मेरे पास, हेलमेट भी है, लाइसेंस भी है, बाइक भी है। ये देखो, जा कहाँ रहे हो? नहीं तो हम जा रहे हैं देगा। और क्या नहाने के लिए, शिमगा में पानी का अकाल पड़ रखा है। बोले आप कहाँ जा रही हैं? मछली गाँव। वहाँ क्या है? पूजा ही है वाले। यहाँ गदेरे के बैठी नाचने का न्योता रखा हुआ है। उधर कौन सा आदमी की तबीयत दिखा रहा है? देख हेलमेट देख कर समझ रहे। और क्या सारी पलटन जा रही है हमारी चार्ली कंपनी। चार्ली कंपनी ट्रूपर, चार्ली कंपनी हमारी हाई अभी दिखा रही हूँ। दो तीन चार चार पाँच चार चार पाँच जाने और जन दो चार छः आठ आठ जने पाँच गाड़िया जमा निकल। ये सारे राइडर निकल गए। बैठा दो मेरे को। हम तो पसंद कर लेंगे, वो पसंद करे तो बात बने। चलो चल बैठ 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 चल भाई। सब साथ में निकलेंगे ना, मजा आएगा। फिर लोग नाते नाते हम आगे आगे जाएंगे, पीछे पीछे लोग आएंगे। ऐसा वही करनी पड़ेगी। फिर बता तो दे, एक बंदा रह गया करके। हाँ एक बंदा एक रह गया बीच डीला। सब यहाँ पे रेडी हो गए। देखो फाइव एक दो तीन चार पाँच बाइक है, एक दो तीन चार पाँच नौ लड़के, एक बार आएगा तब जाएगा। पाँच को दस नौ बाइक कर देंगे ऐसे करके। सबसे सुस्त बंदा भी पीछे पीछे आ रहा है, पता नहीं खाना खाना भी नहीं खाया ऐसे। दौड़ जरूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे को, वरना खोलनी पड़ेगी फाइव नहीं खाना रखी होगी। हाँ लाइसेंस पीछे बैठ के दिखाया, लाइसेंस दिखाने की वजह से गाड़ी चाली नहीं आती बाकी तो लाइसेंस बना रखा बस। हाँ तो गाइस सब तैयार हो गए हैं यहाँ पे और हेलो गाइस कम ऑन कम ऑन। न्यूट्रल डाल रहे यहाँ से गाड़ी, अभी यहाँ पे गाड़ी न्यूट्रल में डलेगी, फिर यहाँ से हम पेट्रोल की सेविंग करते करते पहुंच जाएंगे वलमरा। ये वलमरा टू साइड के वाली रोड है जिसका तो आप देख रहे हो रोड। अबे तू दिखा आगे। अच्छा रोड दिखानी है अपने आप को ही दिखाता रहेगा क्या? वाओ क्या मस्त नजारा है। ये हम जा रहे हैं नदी में मछली मारने, मछली मारने और नहाने के लिए। बहुत टाइम से जब से आए पाना तब से नहाया भी नहीं है लोगों ने। सारे भाई सारे भाई आ रही है, बहुत सारे भाई इकट्ठा हुए ना। हाँ सारे भाई आज इकट्ठे हुए और सब जाएंगे नदी में मिल के नहाएंगे। ये पहले तेज बोलती है फिर कम बोलती है। आपकी बाइक पहले तेज हॉर्न मारती फिर कम मारती है, ठीक समझे? ये हम लेके आए हैं शहर से हैवी ड्राइवर, जो कि पहाड़ में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रखते हैं बाइक चलाने का। और मैं हाँ आप परसों रामनगर से बाइक चला के लेके आए, मैं तो अचंभित हो गया कि आप बाइक चला के कैसे ले आए। आपने पहाड़ में चलाई होगी इससे पहले? कौसानी तक जा रहा हूँ अकेले। कौसानी तक? वाओ दैट्स द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। मैं तू कहेगा दैट्स द स्वीट। वही तो कह रहा हूँ। हम सबसे पीछे हो गए दोस्तों, सभी आगे निकल गए और हम धीरे धीरे इनका पीछा कर रहे हैं हल्के हल्के गियर लगा के।
दोस्तों अभी हम सबसे पीछे हैं इस रेस में, नक्की रेस नहीं, एक ब्लॉगिंग का कॉम्पिटिशन है जिसमें बहुत बढ़िया हमें ब्लॉगिंग लानी होती है और बहुत बढ़िया तरीके से शूट करना होता है। और अभी पीछे हूँ इसलिए अच्छे से शूट नहीं कर पा रहा हूँ, साथ में धीरे धीरे आगे जो उठाते हुए और अच्छे तरीके से अपनी सामान संभालते हुए और तब हालांकि मैंने बढ़िया तरीके से शूट सारा कुछ और आप बढ़िया बढ़िया नज़ारा देखो। अभी हम पहुँची जरा खाने और यहाँ से जरा खड़ी जाएगी आप देखो दोस्तों सस्ता ब्लॉगर आपका स्वागत करता है इस वीडियो में। अब हम पहुंच चुके हैं इस मनोरम दृश्य के बीच में, आप सभी का स्वागत है। और फिर से कितनी बार आपका स्वागत करूंगा पता नहीं, अभी जाते हैं 10-20 बार आपका स्वागत करूंगा। अभी सभी दोस्त सभी हमारे आगे पीछे छोड़ दिया है, हमने सबको पीछे छोड़ दिया और सबसे आगे है, हम बहुत बढ़िया यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से सबको आपको दिखा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हम बहुत और हमारी सवारी का मजा मिली थी जो हम यहाँ पे आज सब मिलकर जा रहे हैं बाइक में। तो आगे भाई पीछे देखो, आगे मत देखो, बढ़िया तरीके से शूट करना है मुझे सारा, ताकि आप बढ़िया बढ़िया कमेंट करके बताओ कि कैसा मैंने शूटिंग की है। मैं एक मूवी क्रिएटर बन सकता हूँ, नहीं बन सकता हूँ या फिर एक वो लिखनी चाहिए क्या कहते हैं उसको। अब हम पहुँच गए सपड़ू, उसके बाद जरखंडा, उसके बाद बुलमरा होती है घाट की तरफ। दोस्तों मन खुश हो गया है इधर आके, बहुत टाइम बाद इधर आने को मौका मिला और सभी भाइयों के साथ। इसको तो हमने बताया भी नहीं था, इसको कुछ भी बातें तो ये आ गया पीछे पीछे मैंने इससे मुझसे गुप्त रखी थी और बताया भी नहीं कहाँ जा रहे क्या जा रहे। वो तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, मैंने जानने की कोशिश की और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज मैं तुम लोगों को ये अच्छे अच्छे दृश्य दिखा पा रहा हूँ। अगर मेरे अंदर क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती ना दोस्तों तो आज इस तरह से वीडियो नहीं देख पाते, मिस कर जाते इस चीज़ को और मैं भी इस चीज़ को मिस कर जाता। ये लोग अकेले अकेले मजा लेते फिर आके बताते कि हम गए थे मजे मजे में नहा के आ गए। हाँ भाई ये देखो ये कह रहा हम भी दिखा रहा हूँ। अभी आ गए हैं यहाँ पे चार्ली कंपनी फॉलो करते करते, ये हम पहुँच गए चिड़खंडा, आज का नज़ारा भी और यहाँ पे थोड़ा हम न्यूट्रल गाड़ी चला रहे हैं, हमें उसमें गियर वेयर डालने की जरूरत नहीं है, हमारा पेट्रोल सेफ रहेगा। और ऊपर आ जाते हैं हमें गियर 14 गियर लगाना पड़ेगा जिस कारण हमारा पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम होगा और थोड़ा खर्चा हमारा सेफ पे इफेक्ट पड़ेगा उससे, इसलिए वैसे भी खर्चे की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे साथ अच्छे अच्छे जॉब वाले लड़के हैं और आर्मी वाले लड़के भी हैं। और मेरा तो मुंह सही है यार, बोलते बोलते दो रोटी खाई थी मैंने दो। तो भाई अब बंद करना पूरे टाइम इधर को इधर को। अच्छा उन्हें उन्हें जाने में उन्हें ये तो शॉर्ट रास्ता थी भाई, दोस्तों ये देखो कच्चा रास्ता, आगे का दिखाना बैक कैमरा करके कच्चा रास्ता है। कहाँ है वो लोग तो रुक गए, वो लोग बाकी लोग रुक गए और हैवी ड्राइवर जो है वो आगे आ गया। जिस रास्ते अभी हम जा रहे हैं ना ये शॉर्ट रास्ता है, अगर हम उधर से निकल जाते ना उधर को तो वो रास्ता बड़ा लंबा पड़ता है जिस कारण हमें 15-20 मिनट की हानि होती है। और ये रास्ता देखो
तो इन लोगों ने मुझे उतार दिया है, कह रहे तो घर जाए यहाँ से। यहाँ पे एक सवारी उतर जाती है, देखो यहाँ पे मुझे रास्ता बहुत ना ऊबड़ खाबड़ वाला है, जहाँ पे बाइक बैलेंस करना बहुत टास्क में हो सकता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर यहाँ पे देखो कैसे सुंदर सुंदर बाइक को नीचे उतारा जाता है। अपना टाइम हमने बचाया, अपना थोड़ा पेट्रोल हमने बचाया, उसके बाद हमें पक्का रास्ता करके इस रास्ते पे आए। और ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल भरा जरूर है, देखो इन्हें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पहाड़ में बाइक चलाने का है। और ये बहुत हैवी ड्राइवर होते हैं पहाड़ में रह रहे के बाइक चला चला के, और हम तो क्या है मतलब झोला पकड़ा और चल दिए पीछे पीछे जहाँ ये लोग जाते हैं उनके साथ साथ, है ना। झोला भी नहीं है आज तो, या आ गए हम पक्के रास्ते में। और ये मेरी बाइक, चलो पहुँच गया मैं। हेलो दोस्तों, फिर से हम आगे पक्की रोड पर, और ये है चिड़खंडा, थोड़ा चिड़खंडा जैसे पहुँच गए हम। यहाँ पे पूरा पार्क पे छोटे बच्चे, हाइट थोड़ी छोटी है, मैं अगर जाऊँगा तो मेरे पांव नीचे रह जाएंगे, ऊपर तो हाथी भी नहीं पहुँच जाएंगे। रोड जो है वो डाउन में है, और डाउन में होने के कारण हमारी बाइक न्यूट्रल में आसानी से जा सकती है, इसलिए हम न्यूट्रल में जाए लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर थोड़ा स्पीड बढ़ानी है तो हमें गेट चलाने होंगे, थोड़े बहुत गेट के माध्यम से हम थोड़ी तेजी से जा सकते हैं। और उसके बाद हमें जल्दी पहुँचना है, उसके बाद घर भी पहुँचना है, क्योंकि हम घर पर बिना बताए आए हैं। इस टाइम पर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे भैंस को पानी पिलाना, खाना बनाना, और इधर लिखना, घास लाना, बांध काटना, ये काम नहीं होते हैं। मैं बढ़ा रहा हूँ आपको बताना होता है, हम क्योंकि एक नंबर के काम चोरी है, इसलिए घर से काम करने के बहाने से यहाँ घूमने चले आए, लेकिन घर पे बताना जरूरी था जो कि हम बता के नहीं आएंगे, इसलिए हमें जल्दी घर पहुँचना है। और जल्दी घर पहुँचने के फिर ज़्यादा क्वेश्चनिंग भी नहीं किए जाएंगे हमसे कि कहाँ गए थे, क्या गए थे, किधर गए थे, है ना। तो सभी युवा है और साथ में है और मजे कर रहे हैं, यही चाहते हैं दोस्तों मजे करने, है ना। दोस्तों बाइक चालू हो रही है अभी धीरे धीरे, थोड़ा ठंडी हो गई इतना। दोस्तों बाइक हमारा ब्लॉग चालू हो गया, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई अभी तक, और आगे तो आगे निकल गए धीरे धीरे, हौले हौले कदमों से आगे की ओर, और ये हमारे सारे ट्रूपर्स पीछे की ओर। और हम इस टाइम पे सबसे आगे नहीं, सेकेंड नंबर पे हैं, और हमारे ट्रूपर हमारे पीछे मेरे कैमरे में रिकॉर्ड होते हुए। हाँ, ये पत्थरखल का बहुत पुराना पुल है, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ, और जब से बना है तब से सेम है, जितना मजबूत कुछ अंग्रेज बना के गए थे यहाँ पे, और अंग्रेजों ने बनाया, उसके बाद हम लोगों ने यूज़ किया और अभी तक यूज़ हो रहा है। ये रोड शायद बहुत पुरानी है, और इस रोड के माध्यम से हम जाते हैं रामनगर, देहात से रामनगर के लिए बस जाती है इस रोड से। अभी हम पत्थरखल में हैं, और बहुत अच्छी जगह है आप घूमने आएगा पत्थर खोला के लिए। यहाँ पे कुछ दुकानें हैं दो चार, हम पहुँच गए देघाट, और अल्लाह पहुँच गए देघाट, इतने माहौल का मस्त है यार, क्या बताओ, एकदम मस्त मस्त सारा लोग धान लगवा रही है, और धान में लोग ठंडो ठंडो पानी, वाह, और ठंडो ठंडो पानी का बीच मस्त मस्त ठंडो ठंडो हवा चल मेरी, और देख रही इधर लगा रही शेर, तमाम बड़ी शेर लगा रही है लोग धान लगाने में मस्त है थे, और क्या बताओ थोड़ी तो आप एकदम जो सीन है वो एकदम याद करके रखेगा, इतना बड़े अच्छे मैं आपको दिखाऊंगा। और आप कहेंगे कि वाह क्या जगह है देघाट, देघाट वहाँ से हमने सिर्फ दूसरों के वीडियोस में देखा था, आज हमने खुद अनुभव किया देघाट को, और जाना है देघाट को, साथ में देघाट सुनी हमारी सुंदर रहते हुए, ये है देघाट क्या समझे, बहुत ही है देघाट। आप मेरे बैक में देख रहे हो, फ्रंट में देख रहे हो, साइड में देख रहे हो, टॉप में देख रहे हो, राउंड में देख रहे हो, ये सारा देघाट है।
यह है बहुत पुराना लोहे का ब्रिज, अंग्रेजों के समय का, अंग्रेज बना के गए थे इसको और अंग्रेजों ने ही इसका इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था। उसके बाद से वो इधर से भाग के चले गए थे, यहाँ के क्रांतिकारी उन्होंने अच्छे मार मार के भगाया था और फिर वो लौट के फिर वापस नहीं आए। ये लोहे का ब्रिज जहाँ पे मैं इस टाइम ये देखा कि इस तरह को उस तरह से जोड़ता है और बीच में नदी है, आप देख रहे हैं नदी गढ़वाल और कुमाऊं के बाउंड्री एरिया से आता है। ये लोहे का ब्रिज बहुत पुराना है, ठीक है, यहाँ तक कि मैं अपने धन्नू के साथ पहुँच चुका हूँ। धन्नू मेरी नहीं है, ना ही मुझे चलानी आती है, बस दिखावा है जो मुझे करना है थोड़ा। मैं जो ब्रिज एक बार जब यहाँ पर मिला था ना, देघाट का अस्थि में लगता है यहाँ पर, तो ब्रिज में एक बार गिर गया था किसी उसके बाद से ब्रिज से मेरे को इन्वेस्ट किया गया होगा। अरे दोस्तों मेरे हाथ में ठंडा है, माहौल बहुत गर्म है, इन्होंने मेरे को भगा दिया यहाँ से, कह रहे तो पीता नहीं है तो भाग गया यहाँ से। मैं जा रहा हूँ कुछ ढूंढने के लिए, एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ पे जब मस्त पड़े देखो, मैं ऐसी जगह ढूंढ लिया जहाँ पे एकांत हो। ये नदी है गदास नदी, यहाँ पे मैं आज अपने दोस्तों के साथ आया था। दोस्तों ने कहा बहुत गर्मी है, इसलिए थोड़ी कोल्ड ड्रिंक के साथ लेके चलते हैं, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह भी साथ में लेके चलते हैं, तो थोड़ी सी स्नैक्स थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक। हम यहाँ पे नदी को गंदा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि मेरा पहले से ही प्लान है, पहले से ही मैं चीज़ें मुझे पसंद है एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ करना। मैं ये रैपर्स अपने बैग में रखूँगा और आगे इससे डस्टबिन में डालूंगा, जहाँ मेरे करीबी जा रहा है जो भी डस्टबिन होगा वहाँ पर जाकर मैं इस चीज़ें थ्रो करने वाला हूँ। दोस्तों जैसे कि मुझे एनवायरमेंट से बहुत प्यार है, आपने मेरे वीडियोस में देखा हो, कितनी बार मैंने एनवायरमेंट के लिए अपनी बातें लोगों को समझाई है, यूट्यूब के माध्यम से लोगों को बताई है। एनवायरमेंट हमारे लिए सबसे ऊपर होना चाहिए, दैट्स अदर चीज़, ठीक। हेलो दोस्तों, देखो मैं पहुंच गया विकास नदी के किनारे पे और अभी हम कुछ देर बाद इस नदी में स्नान करेंगे और गर्मी बहुत है, उसको देखते हुए दोस्तों ने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्नैक्स वगैरह मंगाए थे, वह हम यहाँ पर बैठ के खाएँगे और उसके बाद इन्जॉयमेंट करेंगे अपना, फिर हम निकल जाएंगे घर को, या फिर शायद हो सकता है कहीं और घूमने के लिए, क्योंकि पहाड़ में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे हम घूम सकते हैं, जहाँ पे हम एनवायरनमेंट नेचर इस नदी इस पहाड़ को एंजॉय कर सकते हैं और इस एनवायरनमेंट को अपने इस मन में इस हृदय में समाहित कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे नदी देखो कितना सुंदर है, इतनी सुंदर यहाँ पे और झड़झड़ाहट फुसलंदार और यहाँ पे लंबे लंबे कदमों से आगे की ओर, तो वाओ क्या मस्त सीन है, वाओ। देखो दोस्तों इतना नेचर का इतना अद्भुत नज़ारा सिर्फ आपको देघाट में देखने को मिल सकता है और कहीं देखने को नहीं मिल सकता, तो आइए दोस्तों देघाट में। ये जगह सही है, देखो एकदम यूनिक जगह है, सब तारीफ कर रहे हैं कि क्या जगह ढूंढी है डेयर संडे दोस्तों। और दोस्तों कैसे हो? हाँ दोस्त बहुत अच्छे हैं, आप इंजॉय करो ऐसे ही आगे की ओर बढ़ते रहो। वाह दोस्तों ये देखो, कोई नदी का नाम पता है किसी को? अरे नहीं मैंने शायद के बारे में बिनो, हाँ बिनो नदी, बिनो दूधा तुली श्रेणी से आती है बिनो नदी। कंटर वंटर नहीं दिखाऊंगा, मैं एडिट कर दूंगा, कंटर को मैं बदल दूंगा उसमें कोक में, हाँ खतरनाक एडिटर है आपके सामने, सबके जूते आगे चप्पल आगे मेरे रह गए बस आगे मेरे, इतनी अच्छा जगह ढूंढती थी मैंने आपको लोगों। आपको दिखा पाऊंगे किस तरीके से हम पत्थर के ऊपर स्टैप रख के हम नदी को पार कर सकते हैं, ताकि आप कहीं अगर फिसल जाओ ना तो इसमें क्या होता है चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें ना जो पानी से भीगे हुए पत्थर होते हैं ना वो उनमें काई लग चुकी होती है, उसके काई उसमें लगी रहती है ना, तो उससे क्या होता है वो रपटते हैं अपने पाँव। और हाँ दोस्तों धूप बहुत तेज़ लग गई है, हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी, थोड़ा इफेक्ट पड़ा। हाँ प्लान है नहाने का, देखो मैंने ये अपने साथ रखा है जो मैंने खाया पिया, क्योंकि मैं इसको ऐसे नदी में नहीं छोड़ सकता, मैं इसको
हेलो दगड़ो, तो हम आ गए हैं देघा की बिनु नदी में नहाने के, जो कि दूसरे श्रेणी से बहते हुए कलकल धारा बनाते हुए रामगंगा नदी से जा मिलती है, और रामगंगा नदी माँ गंगा नदी से जाके कन्नौज में जा मिलती है। तो उसी नदी की एक्टिविटी में उसी पवित्रता के साथ ये नदी बहती है, और उसी नदी का नाम है बिनु नदी, जो कि दूधापुरी श्रेणी से बह के यहाँ पे आ रही है। तो इस नदी में हम आगे कोई नहाने वाला एक बढ़िया सा देखेंगे जिसमें हम नहा पाएँ, ऐसा कि जिसमें हम स्विमिंग कर पाएँ। तो उसी की तलाश में मैं नीचे जो जा रहा हूँ, धीरे धीरे कर्मों से सुरक्षित तरीके से मुझे जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे इन पत्थरों पे जो है काई जमी हुई होती है इस टाइम पे, और काई जो है उसमें पाँव फिसलते हैं। तो एक बार तो ये जो पीछे आ रहा है भाई, ये तो फिसल चुका है, ये बार बार बचा है फिसलने से। मैंने इससे कहा था संभल के चल भाई, अगर फिसल गया ना तो बहुत बुरी तरीके से चोट लगने वाली है, क्योंकि मुझे तो आदत है ऐसे टूटने की। ये कूड़ा, लेकिन ये अभी इधर इतना माहिर है नहीं चलने में, इसलिए धीरे धीरे इससे कदम रड़बड़ा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या कर रहा है ये तो ऊपर से छालते छालते आ रहा है, हर खाई में डुबाना है तेरे को, पंच स्नान कर रहा है उसको जहाँ पे जा रहा है। अरे तुम्हें कट कर दूंगा जहाँ पे बेइज्जती होगी। अब वैसे भी दर्शकों को मजा आएगा ये चीजें देखने में, देखो ये। अबे मैंने सोचा मजे करेंगे जाके, मुझे क्या पता यहाँ नहाने जाने, मजा आ रहा है ना तेरे को ऐसे। देखो अभी मैं गिरते गिरते बचा हूँ ना, ऐसे आप भी गिरते गिरते गिर सकते हैं, मैं तो बच गया। तो आपको करने के है बड़ी सावधानी से इन पत्थरों पर पाँव रखना है, और बड़ी चतुरता से आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि अगर आपका पाँव फिसला तो आप गंगा यहीं पर नहा लेंगे जहाँ पे आपने प्लान नहीं बना रखा है। और अभी हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे कि दो नदियाँ आपस में मिल रही हैं। ये नदियाँ आपस में इसलिए मिल रही हैं क्योंकि आगे तो डिवाइड हो चुकी थी, और यहाँ पे आके धीरे धीरे टापू टाइप का बनाया, और यहाँ पे जाके ये नदी दोनों आपस में मिलेंगी, और इसी नदी के संगम पे आगे जाके हमारा स्नान करने का प्लान है, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे हूँ, देखो पेड़ की छाँव, ये पेड़ है नदी के बीच, आसपास नदी बह रही है, और मेरे पीछे में देख रहे हैं आप दोनों, एक इस दिशा से एक इस दिशा से नदी बह के आ रही है, और दोनों आगे जाके मिलने वाली है जहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम बढ़ाया, मुझे बड़ी संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसमें फिसल सकता हूँ, और कभी भी मुझ पर आघात पड़ सकता है इन कठोर पत्थरों का, जो कि मेरे दांत, मेरे नाक, मेरे चेहरे का, मेरा शरीर का नक्शा बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। तो मुझे इसलिए इन पत्थरों पर संभल के पाँव रखने होंगे। आप देखते हैं ये कलकलाती नदी, बिनु नदी पीछे से यहाँ पे। तो दोस्तों हम सब नहा के तैयार हो गए, अब घर जाएंगे दोपहर में। अब देखो मौसम भी हल्की हल्की यहाँ पे बादल वादल लग गए, बारिश वारिश चालू हो गई है, गिधरे मेरे ना सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नदी एकदम से उफान में आती है और सब कुछ बर्बाद करके दी। घर से निकले हैं 10 बजे से, अब बजने वाले हैं 3, और ब्लॉगर सबसे आगे फिर से फर्जी ब्लॉगर, और रेडी गाइस, पैदल आ रहा क्या? चल 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 चल। हाय, तो